हाय फ्रेंड्स, आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कैप्सूल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम का जो पार्ट चल रहा है वो चल रहा है अप्रोक्सीमेशन। आपके बैंक पीओ में जो अप्रोक्सीमेशन से हमेशा 5 क्वेश्चन आया करते हैं, ये आपका जो क्वेश्चन है ये अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है। अप्रोक्स आप में इसमें जो है आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, केवल आपको इसमें अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है। इसलिए टॉपिक आपका हो गया अप्रोक्स, अप्रोक्स मतलब अप्रोक्सीमेशन। और ये आपके पास 2019 का क्वेश्चन है। ये IBPS जो है IBPS PO 2019 का क्वेश्चन है। तो IBPS PO 2019 का एक 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी इन्हें देखते हैं कि इस क्वेश्चन को 1 मिनट में आप कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम लोग अप्रोच चलते हैं। जो बेसिक चीजें हैं, जहाँ पर स्क्वायर की बात आती है, स्क्वायर रूट की बात आती है, क्यूब की बात आती है, या क्यूब रूट की बात आती है, या फास्ट मल्टीप्लाई करने की बात आती है, इन सारे चीज़ों को मैं आपको इसका ट्रिक आपको बेसिक कैलकुलेशन में पढ़ा रखा हूँ। तो सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन के वीडियो को आप जरूर देखें, तब जाकर आपको फास्ट मल्टीप्लाई करना या फास्ट स्क्वायर निकालना या क्यूब निकालना या क्यूब रूट निकालना या ये सब सारे चीज़ों को वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें, तब जाकर आप प्रिपरेशन में 1 मिनट में ये अप्रोक्सीमेशन के जो क्वेश्चन है 1 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर उन चीज़ों पर आपको कमांड हो जाए तो उस वीडियो को प्लीज़ जरूर देखें। और हर वीडियो जो भी देखें प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते चलें। और जो भी आपको इसमें डाउट्स होता है, कुछ प्रॉब्लम आती हैं, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में भी लिख दें, तो डाउट जो है अगले वीडियो में आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखते हैं कि ये क्वेश्चन आपके सामने है कि 289.15 इंटू आपको 2.08 डिवाइड बाई 10.97। आप इस पर 4 ऑप्शन दिए हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। लेकिन सबसे पहले आपको कोई भी अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन करना है, कोई सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करना है, तो बोर्ड मास को आप नहीं बोलेंगे। विदाउट बोर्ड मास आपका कोई सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन नहीं होता है। और अब बोर्ड मास आप जानते भी होंगे, फिर से बता दें कि बोर्ड मास क्या है। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट होते हैं, ये ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट को, फिर आपको मतलब स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, या लार्ज ब्रैकेट इसे बोलते हैं, इसे रिमूव करेंगे। इस ब्रैकेट को रिमूव करने के बाद आ जाएंगे हम लोग ऑफ पर। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर ऑफ लिखा होता है, हिंदी वालों के लिए देखें तो का लिखा होता है, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे पहले ऑफ का आएंगे, मल्टीप्लाई से पहले ऑफ आएंगे, फिर आपका डिवाइड आ जाएगा, डिवाइड के बाद देन आफ्टर मल्टीप्लाई होगा। देखो ऑफ और मल्टीप्लाई में डिफरेंस होता है, तो ऑफ और मल्टीप्लाई अगर आपके पास दोनों हो तो सबसे पहले आप ऑफ को सॉल्व करोगे, ऑफ के बाद डिवाइड करोगे, उसके बाद आप मल्टीप्लाई पर आएंगे। उसके बाद एडिशन की बात आती है, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन की बात आती है। तो एडिशन देन सब्ट्रैक्शन, ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए बोर्ड मास का। इन चीज़ों को अप्लाई करते हुए ही हम लोग अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब ये आपके पास सामने जो क्वेश्चन नजर आ रहा है, आपके पास अब 289 आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब ये 0.19 को नहीं लेंगे, क्योंकि ये सब छोटी वैल्यू से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है अप्रोक्सीमेशन में। ऑप्शन में भी आप देखते हैं कि ऑप्शन से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका 17 का स्क्वायर होता है, रूट इसका स्क्वायर रूट 17 होता है, तो 17 लिख दिया। इनटू 2 का मल्टीप्लाई किया तो 34 हो गया, और डिवाइड किया आपने, डिवाइड किससे किया, तो यहाँ पर बेटा डिवाइड आपका 10.97 का मतलब 11 है। तो 34 डिवाइड बाई 11 कर रहे हो तो 11 3 33 3 समथिंग होगा, मतलब आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल सा चीज़ें हैं, हम लोग को कुछ ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। इसका स्क्वायर रूट निकाले तो 17 बना, ये 17 आपका स्क्वायर रूट हुआ। 17 में यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो पहले रूल बताता है बोर्ड मास को अप्लाई करेंगे तो हम लोग को पहले रूल में क्या आएगा, अब ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, तो सबसे पहले डिवाइड आता है। तो डिवाइड आने का मतलब इसके बाद डिवाइड हो जाएगा, मतलब 17 × 2 / 11 हो गया, मतलब 34 / आप 11 बोलोगे तो 34 / 11 का मतलब होगा 3 point something होगा, तो 3 ही आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर 1884 डिवाइड बाई
144.89, इसको 145 भी मान सकते हैं, इसको 1.45 भी मान लेंगे। अगर 145 मानेंगे तो आप सोचो कितने बार में इसको कट सकता है, तो एक बार में कटाओगे तो 145 निकल जाएगा, 145 के बाद 434 बचेगा, तो 14 42, मुझे लग रहा है कि 13 बार में पूरी वैल्यू कट जाएगी। तो डायरेक्टली अगर अप्रोच करते हो तो इसको डिवाइड करते 145 से 1884 को, तो नियर अबाउट 13 बार में वैल्यू कट जाएगा, तो इसको डिवाइड करने पर 13 आ जाएगा। तो 13 यहाँ पर, अरे 7, तो 13 + 7 = 20 हो गया भाई। यहाँ पर 13, ये पूरी वैल्यू को सॉल्व करने पर 13 आ गया, और ये आपके पास 7 है तो 20 हो गया। 20 प्लस वाट का स्क्वायर इक्वल टू आपको 69 है, तो 20 जाकर उधर माइनस हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास हुआ कि वाट का स्क्वायर इक्वल टू 69 माइनस 20 इक्वल टू 40। आप ये देखते हो कि 40 आपके वैल्यू आ गई, तो किसका स्क्वायर के आसपास ये वैल्यू हो सकती है, तो आप ये देखो 6 और 7 के बीच में बनेगा, तो 6 भी ऑप्शन में है और आपके ऑप्शन में 7 भी है, तो आप इसका स्क्वायर सॉरी 69 था तो 49 बचेगा। 49 का मतलब आपको डायरेक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो वाट स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। मतलब इतने सारे चीजें हम लोग को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे इसको देखते हैं कि आप पूरे को डिवाइड करने के लिए आप इसमें पूरा 2 से 3 से 4 से कटाना स्टार्ट कर दोगे, तो आप सोचो कि आपके पास कितना टाइम लगेगा। इतना टाइम आपके पेपर में नहीं होता है, आप डायरेक्टली अप्रोच लेकर चलोगे कि 145 है, 1884 में अगर आप 145 से डिवाइड करते हो तो एक बार में कट जाएगा, तो 145 निकल जाएगा, 145 को 4 और 3 बच जाएगा, मतलब 434 का मतलब हो गया 14 42 होता है, 420 तो आ ही जाएगा, 434 है, इसका मतलब 3 बार में और कट सकता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 13 बार में कटेगा, और ये वैल्यू 6.99 का मतलब 7 होगा, तो 13 7 20 हो गया। तो वाट का स्क्वायर 20 उधर जाकर माइनस हो जाएगा किसमें से, 69 में से, तो 69 में से अगर 20 को माइनस करते हो तो 49 आता है, तो किस वैल्यू का स्क्वायर करोगे, क्योंकि 49 आएगा आपको मालूम होगा कि 7 का स्क्वायर करने के बाद ही 49 होगा, मतलब इसकी वैल्यू 49 हो गई। अब चलो तीसरे क्वेश्चन की तरफ, आप देखो कि फटाफट कैसे, मतलब लिखने की कोशिश करो कि लिखना बिल्कुल ही नहीं है, मैं तो इतना लिख दे रहा हूँ आपको को समझाने के लिए, अदरवाइज केवल सॉल्व करना हो मुझे तो मैं इसमें कुछ नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली आंसर कर सकता हूँ कि 7 इसका आंसर था। अब उसी प्रकार इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस क्वेश्चन में आई थिंक थोड़ा सा एक एरर है, यहाँ पर ढूंढना एक जीरो लिखा हुआ है, 3 जीरो था, ठीक है, तो 3 जीरो था। अगर रूट निकालना हो 3 जीरो, जैसे सपोज तो किसी वैल्यू का रूट निकालना हो, अगर इस तरह का वैल्यू का एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो कि आपके ये 400 होता, जस्ट फॉर एग्जांपल ले लो, अगर ऐसा कुछ वैल्यू होता तो सिंपल सी बात, दो जीरो का रूट निकालोगे तो 1 जीरो होगा, फिर 2 जीरो का रूट निकालोगे तो 1 जीरो होगा, और 4 का रूट निकालोगे तो 2 होगा, मतलब इसका रूट जो होगा 200 होगा। उसी प्रकार 2 जीरो के लिए रूट क्या आ जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं तो 2 जीरो का रूट क्या मिला, मुझे 1 जीरो मिल गया, और 120 और 121, मतलब 100 यहाँ पर और कम है, तो इसका मतलब कि 11 हो जाता, तो ये वैल्यू 110 है या 110 है, थोड़ी बहुत कम आएगी, 1 कम आ जाए 2 कम आ जाए, ये आ सकती है कम ना, तो उसका इफेक्ट कोई फर्क पड़ता नहीं मल्टीप्लाई करने में, और ये 35 का मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर प्लस करोगे 150 बराबर आपको वाट, यही करना है ना। अब आप ये देखो कि मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो गया, 35 और 3 38 हो गया, 3850 में 150 और जोड़ देते हो, तो 3800 में 1 जोड़ोगे तो 4900, और 4900 में 1 जोड़ 50 जोड़ोगे तो 4000, इसमें 4000 आपका राइट आंसर हो गया। इसमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर बहुत लोगों का कन्फ्यूजन हो जाता इसका रूट कैसे निकालें, स्क्वायर रूट कैसे निकालें, तो ये अप्रैक्स वाली वैल्यू है तो आपको एग्जैक्टली निकालना है, तो 2 रूट का, अगर 2 जीरो का 1 जीरो का रूट निकालोगे तो यहाँ बचा 120, 121 तो मालूम है कि 11 का होता है, उसका स्क्वायर रूट 11 होता है, तो मतलब 110 या 110 से थोड़ा बहुत कम होगा, थोड़ा ही बहुत कम होगा, तो 109 हो जाए, 108 हो जाए, और उसके बाद इसमें 35 का मल्टीप्लाई किया इतना हो गया, 150 जोड़ दिया तो 4000, या 4000 से थोड़ा बहुत कम होगा, 4000 से थोड़ा बहुत कम होगा, ऐसे नहीं कि 10 20 50 100 कम होगा, बहुत होगा 4000 से तो 2 4 5 कम हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में आप देखते हो कि 5 500 के करीब का आंसर है, ऑप्शन है 500 700 300 का डिफरेंस है, इसका मतलब जो भी होगा वो 4000 से थोड़ा बहुत कम रहा होगा, मतलब 3950 3990 ऐसे कुछ रहा होगा, इसका मतलब आपको 4000 ही इसका राइट आंसर होगा।
अब इसके ये क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिल रहा है कि 12 का क्यूब है। अब 12 का क्यूब अगर आपको आता होगा तो अच्छी बात है, तो आप निकालना स्टार्ट कर दोगे। तो 12 का क्यूब 1728 होता है। 12 का क्यूब क्या होता है? 1728 होता है। 1728 इसका क्यूब होगा 1.2 का स्क्वायर है। तो 1.2 का स्क्वायर लिखो या 1 का स्क्वायर लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसका 1 ही हो जाएगा। भाई 1.44 होगा। 1.44 का मतलब क्या होगा? डेढ़ आ जाएगा या डेढ़ से कम होगा। तो 0.1 या 2 का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको एडिशन करने में आपको पहले बता दिया था, हम मल्टीप्लाई करना होता तो थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता था। और वो भी इफेक्ट कब आता? जब आंसर बहुत क्लोज होते थे, ऑप्शन क्लोज होते थे, नहीं तो प्लस में माइनस में 0.5, 0.3, 0.58 का ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आता है। यहाँ पर 1.1 का मतलब यहाँ पर 1 ही होगा। और यहाँ पर भी किसी भी वैल्यू का पावर अगर 0 होता है, किसी भी नंबर पर पावर अगर 0 दिया जाता है उसका मतलब 1 होता है। तो इसका पावर अगर 0 है तो इसका मतलब 1 होता। आपके पास में 9, 3, 7, 8 है और इसका पावर 0 दे दिया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, इक्वल टू आपके पास 8 हो गया। अब इसको जोड़ लो, 2 और मिल गया, 2 क्या 3 मिल गया, तो 1731 हो जाएगा। 1731 या 1730 आपके पास ऑप्शन होगा। तो आप देखो यहाँ पर 1730 नजर आ रहा है ऑप्शन में, तो 1730 इसका आपका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, मतलब सिंपल सा ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, आसानी तरीका से हो जाएंगे। ये बताओ लेटेस्ट 2019 में आया हुआ IBPS के क्वेश्चन है PO का। अभी कितने सिंपल है ये तो मुझे लग रहा है कि 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन के आंसर को निकालने के लिए, 5 क्वेश्चन के लिए। अब 3.2 का स्क्वायर है, मतलब 3 का ही मान लो, 3.2 का मतलब 3 ही मान लो, 3 का अगर स्क्वायर करते हो आप तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और फिर आपके पास या 9.8 का मतलब इसको 10 मान सकते हो, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा। फिर आप 8.13 का स्क्वायर मतलब 8 मान लो, यहाँ पर 64 आ जाएगा। और यहाँ पर 4.24 का मतलब 4 ही मान लो, 16 आ जाएगा। इसको आप जोड़ लो, अब इसको जोड़ लेंगे तो 80 हो गया। 180 हो गया 189। अब 189 ऑप्शन में कोई है? 189 यहाँ पर 198 शायद लिखा गया होगा गलती से, डिजिट उल्टा 198 ही ऑप्शन में। तो आपके पास 190 लिख सकते हो, 19 हम लोग के पास 189 आ गया, तो 189 का मतलब होता है 190 लिख सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं इसे? हम लोग 190 लिख सकते हैं। 190 भी ऑप्शन में है कोई? 190 ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट सेकेंड नंबर, सॉरी ये सेकेंड नंबर में 190 है ऑप्शन में, गलत लिखा गया, ये 190 है सेकेंड ऑप्शन, 190 आपका लिया हुआ। तो ये आपका 189 के अप्रॉक्स आ रहा था, मतलब 190 इसका राइट आंसर हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो है बहुत ही सिंपल सब क्वेश्चन होते हैं अप्रॉक्सीमेशन, इन्हें प्रैक्टिस की कीजिए। आप अगर प्रैक्टिस सही तरीका से करते हो तो आराम से ये क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट में 5 क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो। आपको बस ध्यान यही देना है कि इसमें आपको कैलकुलेशन लिख कर नहीं करना है, आपको मेंटली कैलकुलेशन करने की कोशिश करें। इसके लिए आपको अगर पढ़ना भी है, प्रैक्टिस भी करना है, तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इसको करने से पहले स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, मल्टीप्लाई, इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीका से कम समय में बन सकते हैं। और अगली क्लासेस में हम लोग को करना क्या होगा? अगली क्लासेस में आप लोग को सीरीज जो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो भी कराऊंगा। आपको ये बता दूंगा कि सीरीज के 5 क्वेश्चन को करने में 3 मिनट में, वो भी 100% के लिए, कि 5 क्वेश्चन में 5 तो नहीं गारंटी ले सकता हूं, लेकिन 5 में से 4 क्वेश्चन आप 100% हर बच्चे सॉल्व कर लेंगे 3 मिनट में। तो सीरीज के क्वेश्चन में 5 में से 4 क्वेश्चन को 3 मिनट में सॉल्व करने का आपको ट्रिक और अप्रोच सिखाऊंगा कि उसे हम लोग को कैसे करना होता है। हर बच्चे मिसिंग नंबर हो या आपका रॉन्ग नंबर है, सारे नंबर को 5 क्वेश्चन मतलब 5 में से 4 क्वेश्चन 3 मिनट में निकाल सकते हो। एक ऐसे क्वेश्चन जरूर दे दिए गए होते हैं जो कि हो सकता है कि उस क्वेश्चन को बनाने में 1 मिनट लग जाए, हो सके कि उस क्वेश्चन को बनाने में 1 दिन लग जाए या 1 घंटा लग जाए, या हो सकता है कि 1 साल लग जाए, या हो सकता है कि लाइफ टाइम में आपसे ना निकले, जो क्वेश्चन को सेट किया है वही उसका आंसर निकाल सके, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। क्योंकि तो सीरीज में कोई मेथड नहीं होता, लॉजिक होता है। लॉजिक को कैसे अप्रोच करना होता है आपको राइट वे बता दूंगा, और उसके बाद आपको फटाफट आंसर निकला, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा इसमें कौन सा मेथड लगाना है। बस 3 मेथड आपके पास सीरीज में होता है, 3 मेथड या 3 अप्रोच समझ लो।
उस अप्रोच को सीखने के बाद सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं, पांच में से पांच नहीं तो चार क्वेश्चन तो 100% हम लोग कर लेते हैं। मोस्टली केसेस में पांच क्वेश्चन भी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी मानकर आप चलोगे चार ही क्वेश्चन बनेंगे कि एक क्वेश्चन उल्टा सीधा दिया ही होता है पेपर में, बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग को चार ही क्वेश्चन अपना टारगेट लेकर चलना है, अपने मार्क्स में काउंट करना है। उसके बाद में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा दूंगा, वो भी पांच क्वेश्चन के सेट आता है, और उस पांच क्वेश्चन को एक से डेढ़ मिनट में पांच क्वेश्चन निकालने का वो भी अप्रोच सिखा दूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो पांच क्वेश्चन आते हैं एक से डेढ़ मिनट के अंदर उस पांच क्वेश्चन के आंसर कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका से वो भी सिखा दूंगा। तो पूरे वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें, जाकर छोटी छोटी वीडियो होती है जिससे कि आपका पूरा का पूरा IBPS इस बार AISBI जो भी पेपर देने जा रहे हो वो 100% श्योर है कि आप उसे क्रैक कर सकते हो। अगर वीडियो को दो से तीन बार आप रिवाइज मतलब रिपीट कर आप उसे रिप्ले कर देख लें तो